एवरीवन, वेलकम टू करियर इन एक्शन। दिस इज शिल्पा सरोज। तो जैसे कि आप जान पा रहे हो कि सुबह हमने मॉर्निंग में जो है SSCL के मेरिट लिस्ट के स्कैम के रिगार्डिंग हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, लाइव इंटरेक्शन करा था हमने, ठीक है। और वो आपके लिए वीडियो बनाया गया था कि एग्जैक्टली क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ मेरिट लिस्ट में प्रॉब्लम है, क्रिएट हो रहा है, कहाँ स्कैम है, या ऐसा क्या सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, वही सब हम चर्चा करने का कोशिश कर रहे थे। तो इतना आपके ज़्यादा हेट कमेंट्स सुनने के बाद अब मुझे लग रहा है कि इस प्रूफ के साथ आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हवा में बात नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या प्रूफ है, ठीक है, और किस हिसाब से बताऊंगी मैं। ये देखते जाना, बहुत ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है, बीच में उंगली मत करना, ध्यान से देखो। उसके बाद कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कमेंट्स पूरा भरा पड़ा है आपका मैसेज, ठीक है, तो ये देख लेना। और सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि हालांकि मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ, लेकिन बात वही है ना कि जब आप किसी के ऊपर ये कह रहे हो कि कोई पैसा लेके ये काम कर रहा है, ठीक है, देखो भाई मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, टीचिंग, तो उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। पैसे लेके ही करना होता तो भाई मैं वीडियो क्यों बनाती, मैं कहीं और होती, पैसा मेरे पास पैसे का ही वो होता तो, ठीक है। तो मेरे को पैसे की कमी नहीं है, जस्ट लाइक मुझे प्रोफेशन, मुझे पसंद है ये वीडियोज़ बनाना आप लोगों के लिए, नॉलेज को थोड़ा सा बांटना वो पसंद है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। बाकी जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, ना किसी का मुंह बंद कर सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या कि कहाँ मेरिट लिस्ट में घपला हुआ, क्या प्रूफ है। देखो तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले यही दिखा देती हूँ कि भाई कैसे कैसे आपको देखना है। एकदम स्टार्टिंग में जो SSCL ने रिजल्ट आउट करा, ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी किया, वो ये मेरिट लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कोई भी जो 8 क्वेश्चंस एम्बिगियस माना गया था ये इसके बाद किया है। तो सबसे पहले जो आपको लिस्ट दिया वो ये लिस्ट था, ठीक है, सारे लोग का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलो ये समझ में आ गया, सारा मेरे पास PDF ओपन है, एक एक करके दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट इन CBT ऑन 23 जनवरी 2024 फॉर करेक्ट क्वेश्चन, दैट इज 92 क्वेश्चन आफ्टर एक्सक्लूडिंग 8 एम्बिगियस क्वेश्चन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ MS इन रेफरेंस टू नोटिस यही, ठीक। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई अब जो काम हुआ उसमें ये हुआ कि जो आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में क्या किया, 8 नंबर हटा दिया, ठीक, 8 क्वेश्चन को एम्बिगियस ठहरा दिया, इनवैलिड बता दिया। तो इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो पेपर है, वो 92 मार्क्स के बनेंगे। आप जो मार्क रैंक करोगे वो आउट ऑफ 92 मार्क्स आप जो नंबर है वो लाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ये कहता है इसमें। तो इस लिस्ट में आपको 8 नंबर हटा के, यानी 8 नंबर एम्बिगियस जो था उसको माइनस करके यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, समझ रहे हो आप। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे को बोनस मार्क्स मिला था 3 नंबर, किसी को 6 नंबर, किसी को 5 नंबर, ठीक है, उसका कुछ आता पता नहीं। उसके बाद 8 क्वेश्चन यहाँ पे 8 माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद जो उनका नंबर आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया है कि किनका एग्जैक्टली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा वो कह रहे हैं क्या, मैं बता रही हूँ आपको। तो एक कहता है कि मेरा 84 था, ठीक, और 3 इनको बोनस मिला, तो कितने हो गए, 87 हो गए, ठीक है। अब 87 में से 8 माइनस कर देंगे, मतलब 8 क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स डिडक्ट कर दिया तो उनका हो गया 79, ठीक, इनका नहीं हुआ। तो ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, या तो आप बोनस मार्क्स को भी ऐड कर दे रहे हो, या तो बोनस मार्क्स को भी हटाओ, उसके बाद आप 8 जो MBS क्वेश्चन है उसको माइनस कर दो। तो ये चीज़ भी घपला है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक, ये चीज़ हो गया। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, ये जो है 8 क्वेश्चन को जब माइनस कर दिया उसके बाद जो नंबर्स आए हैं वो उस तरीके से हैं, ठीक। अब उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है आपका अंतिम, यानी कि जो लास्ट अभी जो हाल ही में आया है, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आता है वो ये है आपका, समझ रहे हो। देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द CBT फॉर करेक्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन हेल्ड ऑन 23 जनवरी, ठीक, ये बोल दिया। अब हमें यहाँ समझ में क्या आता है, देख लो, पहले तो ये जान लो, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि 350 सीट थे, ठीक है, जिसमें से 131 जो है अनरिजर्व के लिए है। अनरिजर्व मतलब इसमें सारे ही कैटेगरी के वो हो सकते हैं, ठीक है, जो टॉप होते हैं, टॉप 131 जो रैंक लाएंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी से चुने जाएंगे, मतलब कि इनका कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई भी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो टॉप 131 जो लोग होंगे वो सब आएंगे अनरिजर्व में, ठीक है, कोई भी कैटेगरी से हो सकता है वो,
उसको इसमें रख दिया जाएगा, ये कहने का मतलब। तो स्टार्टिंग का अगर आप देखोगे, ये देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आप देख रहे हो यहाँ, वन से समझ में आ रहा है आप, ठीक है। तो ये देख रहे हो कोई भी कास्ट के, यहाँ पे ओबीसी, अनरिजर्व, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा, अनरिजर्व वन ऑन मेरिट, मतलब कि अनरिजर्व वन रैंक पे जो आया है वो बंदा है ये, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का है। तो इस तरीके से जितने भी अनरिजर्व वाले हैं वो देख पा रहे हो, 131 तक जो आपकी सीट है वहाँ तक होंगे लोग, ठीक। ये देखो बहुत ध्यान से देखना जो समझा रहे हो, 131 देख रहे हो, ये लास्ट में सौरभ, यहाँ पे सौरभ है 131 पे, ठीक है। कितने नंबर लाए ये, 82 मार्क्स, ठीक है, अनरिजर्व में 131 पे हैं ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वही मैं आपको बता रही थी कि 131 अनरिजर्व में आ जाएंगे। और ओबीसी की बात करें अगर हम, तो 42 सीट है इनकी। और आपका एससी के लिए बात करें तो 48, एसटी के लिए बात करें तो 97, और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 32 सीट, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में आप रखना, उसके हिसाब से सोचना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि अनरिजर्व की बात करें तो अगर हम बात करें कि कितने पे उठाया है मैं ये कट ऑफ, तो 87 से 82 के बीच में इन सारे लोग को यहाँ पे अनरिजर्व में रखा गया है, ठीक है। और जनरल की बात करें तो जनरल की जो है 82 से हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 से 80 हैं, ठीक है। और आपका एससी जो है 82 वालों को लिया है। और एसटी की बात करें अगर, तो 82 से, ये देखो एससी, सॉरी एससी जो है 82 से 79 है। और एसटी की बात करें अगर, एसटी की बात करें तो 82 से 72 तक है, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी रह गया, ओबीसी 82 पे लिया गया है। तो ओबीसी और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 82 के पास लिया गया है, एससी 82, एसटी 82, यहाँ से देख रहे हो 82 से 79 तक लिया गया है, 72 से 82 ले गया है एसटी, समझ रहे हो। इतने लोग को लिया गया है, इस हिसाब से उठाया गया सीट। अब जब मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो, अब इसको आपको मैच करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से, ठीक। देखो ईडब्ल्यूएस सीट घोटाला पहले देखते हैं क्या है इसमें, ये प्रिपेयर किया है जिसने भी प्रिपेयर किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया है, और ये बहुत सही है, मतलब सटीक है। चाहो तो आप मैच भी कर सकते हो, मैं मैच के साथ ही बता रही हूँ आपको, बिना मैच के नहीं आई हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि क्या नाम है, पहले पढ़ लो, पहले देख लो, तो बिना पढ़े नहीं आई हूँ यहाँ पे, इतना भी मतलब दिमाग से पैदल नहीं हूँ कि ऐसे बिना कुछ जाने समझे और ऐसे आ जाऊँगी वीडियो बनाने। ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे किसी को मैं नहीं टारगेट कर रही हूँ। अब देखो पब्लिक जो है वो बताना पड़ेगा ऐसे मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो अमन कुमार सिंह, इनका जो भी रोल नंबर है, तो फर्स्ट रिजल्ट में यानी कि जो पहला रिजल्ट आया उसमें इनका अनरिजर्व कैटेगरी से 89 मार्क्स आया, ठीक है। सेकंड रिजल्ट जब आता है तो इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कर दिया जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, पहली बात मुझे बताओ, अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस में कैसे कर दिया, ठीक। अच्छा, कर भी दिया अगर ईडब्ल्यूएस में तो 81 मार्क्स ये पाए हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस 16 रैंक पे ही आते हैं, ठीक है। इनका तो इनका जो है 81 पे हो गया है, ठीक है, ये समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे शिवम कुमार मिश्रा, इनका रोल नंबर ये है, फर्स्ट रिजल्ट 88 अनरिजर्व, ठीक है। तो पहले रिजल्ट में अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, इनको भी ईडब्ल्यूएस में कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस में कर दिया गया 88, ठीक, 88 मार्क्स पाए थे पहले। सेकंड रिजल्ट में इनका हो जाता है 80 नंबर हो जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। और 23 रैंक पे हैं ये ईडब्ल्यूएस में, तो 80 मार्क्स लाए हैं ये, और ये कितने साल के हैं, 28 साल के हैं, ठीक है, ठीक, इनका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्रदीप कुमार तिवारी, ठीक है, 88 लाए ये पहले, देखो यहाँ पे 88 ये भी लाए थे, 88 ये भी लाए हैं, और ईडब्ल्यूएस में इनका तो 88 लाए हैं ये ईडब्ल्यूएस से ही हैं, समझ में आता है। और सेकंड रिजल्ट जब इनका आता है तो ये 80 पाते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से ही, ये सिलेक्ट नहीं होते हैं। और इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 27 साल। चलो मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि भाई शुभम कुमार मिश्रा जो है इनका एज ज़्यादा है, 28 ईयर्स हैं, और जो है तो इनका पहले चयन होगा, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ जाता है, इनका पहले चयन होगा, ओके। तो यहाँ पे जब हमें पता है कि ईडब्ल्यूएस का सीट मैंने आपको कितना बताया, ईडब्ल्यूएस का कितना है, 32 सीट है, ठीक है, 32 सीट है। तो मेरे को ये बताइए, 32 सीट जब है, आपने 32 सीट दिया है यहाँ पे, तो इनको ईडब्ल्यूएस 23 रैंक में रखा आपने, 80 मार्क्स लाए हैं ये, और प्रदीप कुमार भी 80 मार्क्स लाए हैं, तो क्या आप, एक साल कम है इनसे, तो क्या आप इनको नीचे
नीचे रैंक पे नहीं रख सकते थे, 23 के बाद 24 पे कर देते, 25 पे कर देते, ऐसा कर सकते थे, लेकिन इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इनका डेट ऑफ बर्थ देखो 27 साल है, तो कैसे है ये पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है यहाँ पे? इसका तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ लॉजिक, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद अनीस कुमार सिंह आप देख पा रहे हो, रोल नंबर देखो इनका, ठीक है यहाँ पे देखिए, तो ये है 24 इयर्स के, ठीक। पहला इनका रिजल्ट आता है 88 EWS से, सेकंड रिजल्ट इनका आता है 80 EWS से, ठीक। इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ पे फंसता एक ही इंसान है कि 80 EWS का इनका भी है और 80 EWS इनका भी है, अनीश कुमार का भी, जबकि ये 24 साल के ही हैं और इनका ये सेलेक्ट हो जा रहे हैं। और भाई जो 27 साल का है वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? भाई 24 इयर्स के हैं ये और 27 साल के ये हैं, तो जो 27 साल का उसका नहीं हो रहा है चैन, और जो 24 इयर्स का उसका हो गया चैन, सेम नंबर ला के। तो सीरियसली मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? आप देखो अभी सामने देखो, अब मैं इसमें क्या बोलूँ, आप जाके इसको देख चेक भी कर सकते हो, नाम से चेक कर सकते हो, रोल नंबर से चेक कर सकते हो, समझ में आ रहा है? देख पा रहे हो आप प्रदीप कुमार तिवारी, इनको आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो राहुल गुप्ता, रोल नंबर इनका है इतना, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट जब आया तो इनका EWS से है 90 ला लिए, सेकंड रिजल्ट में ये 82 लाते हैं EWS से हैं, समझ रहे हो, EWS से हैं 82 ला रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हुए 82 ला के सेलेक्ट नहीं हुए, बाकी ऊपर 80 वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो, सेलेक्ट नहीं हुए ये, ठीक। 82 पे ही सेलेक्ट नहीं हुए EWS में, और EWS में 82 से 80 ले रहा है, ठीक है, उठा रहा है इतना। अच्छा, यहाँ पे अविनाश शर्मा देख पा रहे हो, रोल नंबर इनका ये है और ये 29 इयर्स के हैं, जैसे हमें पता है कि देख पा रहे 29 इयर्स हैं, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, नॉट सेलेक्टेड, सेकंड रिजल्ट में 81 पाए हैं और पहले रिजल्ट में 89 था इनका, ठीक है। तो 80 से 82 के बीच में है, 81 है इनका, उसके बाद भी इनका नहीं हो रहा है, तो किस हिसाब से हो रहा है भाई, मेरिट लिस्ट किस हिसाब से जारी किया गया है, क्या समझ के परे है पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे किस हिसाब से आप बोल सकते हो कि फेयर सिलेक्शन हुआ है और फेयर मेरिट लिस्ट जारी की गई है, आप समझ पा रहे हो? कुछ भी यहाँ पे दे दिया गया, किसी को भी उठा के जो मेरा मन। यहाँ पे देखो ओबीसी एनसीएल सीट घोटाला, ठीक है, अब ओबीसी का देखते हैं। सीबू कुंभकर यहाँ लिखा है, कुंभकार, ठीक है, ये 25 साल के हैं, पहला रिजल्ट आया तो ये ओबीसी से है 90 नंबर लेके आए, सेकंड में 82 आ जाता है, ठीक है, सेलेक्टेड ओबीसी, मेरिट इनका 35 है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ओबीसी जो है 82 पे ले रहा है, ठीक है, इनका 82 है, ले लिया, ठीक है, मेरिट इनका 35 है, देख सकते हो 25 साल के हैं। उसी में शुभम सोनार आप देख पा रहे हो, ये 24 इयर्स के हैं, ठीक है, और ये जो है सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि ये जो है ये भी 82 लेके आते हैं और ये भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई 25 इयर्स है, ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, इनका हो जाता है, इनका नहीं होता है, जबकि सेम नंबर लेके आ रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एससी देख लो, मेरिट लिस्ट घोटाला, शुभम नोनिया यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले में ये अनरिजर्व से 89 नंबर लेके आते हैं, सेकंड रिजल्ट में 81 आ जाता है इनका और ये सिलेक्ट हो जाते हैं, तो एससी में 16 नंबर पे ये आ जाएंगे, 16 रैंक पे, ठीक है, 81 नंबर ला के एससी, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई एससी की बात करें तो 82 से 79 पे ले रहा है, ठीक है, और इनका है 81, तो इनको ले लिया गया है, सिलेक्टेड है, और एक हिडन है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो पहला इनका 87 रहता है, अभी इनका 79 हो जाता है, तो इनको नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 82 से 79 तक है, लेकिन इनको नहीं लिया गया है, क्यों नहीं लिया गया, क्वेश्चन ये है। फिर देखो एसटी का देख लो, इसी तरीके से सारे ही हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, मुकेश सिंह यहाँ पे देख पा रहे हो 35 ईयर्स के हैं ये, पहले इन्होंने 80 मार्क्स लेके आए, सेकंड में फिर ये क्या लाते हैं, 72 लाते हैं। एसटी का मैंने आपको बताया था कि भाई 82 से 72 तक उठाया है, ठीक है, तो पहले 80 था फिर 72 लेके आए हैं, ठीक है, और ये सेलेक्ट हो गए हैं, समझ रहे हो, मतलब सेलेक्ट हो गए। एसटी में 97 देखो रैंक इन्हीं का है, मुकेश सिंह का, 35 साल के हैं ये, ठीक है, जस्ट क्रॉसिंग द रिलैक्सेशन, पता ना एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को 5 साल का, 35 ईयर्स, मतलब जस्ट सेम एज पे हैं, इसके बाद तो फिर ख़त्म, कुछ नहीं होगा फिर, तो वही वाला है ये सीन है यहाँ पे। तो इनका जो है सिलेक्शन हो गया है 72 मार्क्स ला के, ठीक है। तो वही कुंवर सिंह है यहाँ पे देख, कुवेर सिंह है यहाँ पे देख पा रहे हो, इनकी 28 साल के हैं, ठीक,
तो इनका जो है पहला रिज़ल्ट में 83 होता है, फिर सेकंड रिज़ल्ट में ये 75 पा जाते हैं। आप यहाँ पे देखो 72 ये लेके आ रहे हैं और ये 75 ला रहे हैं और ये सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, एसटी होके भी। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये देखो एसटी की जब हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी कितने हैं, 97 लोग हैं, तो 97 में ये लास्ट यही सिलेक्ट हुए हैं 97, और इनका कुबेर सिंह का रह गया जबकि 75 नंबर लेके आया है, मायने रखता है भाई, तो ये सिलेक्शन इनका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इस हिसाब से है, आप देख पा रहे हो कुबेर सिंह को जो है आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा हिसाब, ठीक, ये आप देख लिए। अच्छा, अब जो है एक चीज़ समझ लो कि क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 8 एम्बिगियस क्वेश्चन की जो बात हम कर रहे थे वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई जो सीएमआर के बुक में जो लिखी गई है, ठीक है, वही तो पढ़ के जाओगे ना आप, वही तो करेक्ट करोगे। अब एक एक वर्ड पे अगर आप मायने, मतलब अगर कमीशन ये करने लगी कि भाई वर्ड्स गलत हैं, एक एक वर्ड्स को मैच करने लगी, तो सारे ही क्वेश्चंस को एम्बिगियस ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर जो है कमीशन, अगर पेपर जो बनाया जा रहा है तो उसको फर्दर रीचेक करना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर ना हो। ठीक है, इतना जल्दी नहीं, आराम से किया जाए ताकि फ्री और फेयर एग्ज़ाम हो पाए। ठीक है, इस तरीके से हड़बड़ी में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम आप अनसेलेक्टेड बच्चों के साथ हैं, तो मेरा ये बताओ क्या मेरा उनसे अलग लगाव है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड दोनों के साथ हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात ये है कि मैं समझ रही हूँ कि भाई जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, आप ये देखो कि भाई इस तरीके से फर्दर आप चाहते हो कि इस तरीके से कुछ भी घपला या कुछ भी स्कैम हो फर्दर आने वाले फ्यूचर में, नहीं चाहोगे ना। तो अगर आप सिर्फ अपना देख रहे हो, आपको अपना समझ में आ रहा खाली, तो हर इंसान के नज़रिए से अगर आप देखोगे ना तो शायद आपको समझ में आए कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिनका हो गया है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो सब सोच रहे होंगे कि भाई वही सब अगेंस्ट है मेरे, आई नो कि मैं वापस से क्यों कर रही हैं ये वो, बट यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ पे दोनों को लेके देखो भाई, जिनका नहीं हो रहा है वो सोचो कितना तब से लगा हो पड़ा है, उनका तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, मायने तो छोड़ ही देंगे। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ देख के चलना चाहिए। ठीक है, अगर आवाज़ उठाया है तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि पैसा दिया गया, घूस खाया हुआ है, नहीं, बोल देखो, जानते सब हैं, बोलना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, मैंने आवाज़ उठाया है तो आपका सपोर्ट चाहिए और आपके लिए ये आवाज़ उठाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको मेन इशू है, ऑब्वियसली मेन इशू होगा उनका, पूरा सेटल था कि भैया जो है मेरिट लिस्ट आ गई है, मेरा नाम आ गया है, अब मैं सेलेक्टेड हूँ, अब ये यहाँ फिर फर्दर री एग्ज़ाम का बात कहाँ से आ गया। तो मैं री एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कोर्ट का हियरिंग सुन लेते हैं, कल जो है हियरिंग आएगा, अब जो एक वीडियो भी देख लो आप, ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैं बात आगे करती हूँ, वीडियो देख लो पहले। चैलेंजिंग मतलब द नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द करेक्ट मॉडल आंसर एज वेल एज मतलब डिक्लेरेशन ऑफ 8 क्वेश्चन एज अ रॉन्ग क्वेश्चन एंड नॉट अवार्डिंग मतलब द यूनिफॉर्मली मार्क्स नाउ मतलब दे आर सबमिटिंग रिप्लाई मतलब प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन वी आर मतलब दे हैव डिस्क्लोज द 8 क्वेश्चन मतलब एंड सो फार एज मतलब यू वांट रिजेंडर हाँ रिजॉइंडर इसको 10 तारीख को रख लें क्योंकि कल नहीं 10 जून को क्योंकि इनको वेरीफाई करके हम अपना सबमिशन देके उसी दिन डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। देखिए लिस्ट लिस्ट एसिस रिस्पोंडेंट एसिस्टेंट शैल फाइल रिटर्न लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटीशन पे फॉर टाइम टू फाइल रिजेंडर कंसीडरिंग सबमिशन लिस्ट दिस केस ऑन 3 जुलाई फॉर फाइनल डिस्पोजल इन मोशन। जब तक ये रिजल्ट अगर निकला डिक्लेयर कर देंगे करेंगे तो फिर उसे वो आपका फिर से भर्ती करेंगे लोग क्या करना है ये रुकेंगे अपने आप समझेंगे कि कहीं मामला उलझ जाएगा दस ग्यारह को आपको रख देंगे तो अरे डिस्पोज हो बहुत जाएगा हमारा जो जो है मैडम वो पिटीशन के सारे उत्तरों को दे रहा है मैडम। हाँ इन्हें दो काउंट में किया है, एक तो मैडम एसोसिएशन एग्जाम खुद नहीं करा रही है, रेस्टोरेंट नंबर 3 जो है हाँ ये इससे कराया है, ये है ईडीसीआईएल ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है मैडम। इनके दो क्वेश्चन है मैडम, पहला इनका कहना है कि 8 क्वेश्चन एमबीबीएस डिक्लेयर हुए हैं उसमें सबको नंबर नहीं मिला है, मैंने लिस्ट लगाई है मैडम सबमिशन के साथ में जो 24 पिटिशन्स को 8-8 नंबर सबको दिए गए। दूसरा इनका ये कहना है मैडम कि 8 की जगह 2 ही क्वेश्चन एमबीबीएस है मैडम, हमने वो भी फाइल किया हुआ है पूरा जो क्लियरिफाई करता है कि 8 क्वेश्चन कौन कौन से है, 2 ही काउंट पे पिटिशन है मैडम। ऑलराइट सुन लेते हैं इसको 2 तारीख को सुन लेंगे 2 जुलाई को सुन लेंगे।
डिसाइडिंग कर देंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो आपने देखा, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? वकील क्या कह रहे हैं कि मैम कि सर जो है वो क्या कह रहे हैं, जज साहब जो है इन्होंने मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है ना, कहा ना जज साहब ने कहा, क्या कहा? तो ठीक है, फिर वो आगे देखेंगे, फिर से जो है रिवाइज़ करेंगे आंसर की, ओ, फिर से रिवाइज़ करेंगे मेरिट लिस्ट या रिजल्ट आउट करेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई इतना जल्दी क्या थी रिजल्ट आउट करने की, जब हियरिंग जब दे दिया डेट कल का, वेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, पहले ही आउट कर देना है। अच्छा, अब चलो मैं बता दूँ आपको ज़रा एक चीज़, देख लो यहाँ पे समझो। ठीक है, मान लो कोई 80 मार्क्स लेके आया है, ठीक है 80 मार्क्स लेके आया है, ठीक है यहाँ पे आप समझ रहे हो 92 में से 80 मार्क्स लेके आया है। तो अगर हम यहाँ पे ये समझें कि जैसे 8 एम्बिगियस क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो 8 एम्बिगियस क्वेश्चन में से मान लो उसको 8 क्वेश्चन आता होगा, ठीक है मान लो उसको 8 क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, तो उसके कितने मार्क्स हो गए? 88 मार्क्स हो गए। ठीक, 88 मार्क्स हो गए। अब वही मान लो कोई 82 मार्क्स लेके आया है, 82 मार्क्स लेके आया है 92 में, ठीक, और उसको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पता था 8 क्वेश्चन में से, 4 ही क्वेश्चन सही पता था उसको, तो उसका कितने हो गए? 86 हो गए। ठीक, 86 हो गए। तो आप समझ पा रहे हो, अब 88 और 86, यानी कि जो 4-5 मार्क्स हैं सिलेक्शन में लेने के लिए, जो 4-5 मार्क्स पीछे छूट रहे हैं लोग, उसे समझ रहे हो, मतलब पूरा करियर ही तबाह है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, या क्या कहें इसको, बट ये जो 8 क्वेश्चन एम्बिगियस रख दिया गया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन एम्बिगियस नहीं है, बाकी 3 का कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो एम्बिगियस कैसे रख सकते हो भाई? जो सिंपल जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, पूरा कॉपी पेस्ट है, उसमें भी आप उसको बोलते हो कि भैया ये जो है ये इनवैलिड है, कैसे कैसे हो सकता है ये? मजाक चल रहा है यहाँ पे, हैं? तो मतलब इतना बड़ा कमीशन है, और कमीशन जो है ऐसे पेपर बना देती है, और उसमें एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन को एम्बिगियस कर देती है। एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत बड़े पैमाने पे समझ में आता है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से नीट और क्लीन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता है, ये नहीं कि कुछ भी दे देंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कल का हियरिंग जो भी आएगा, जो भी जज साहब बोलेंगे, वो मानना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये चीज़ तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ भाई, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप अपना मत देखो, बस ये देखो कि हाँ भाई सिस्टम कैसा किया है, सिस्टम कहाँ गलती किया है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो इसका जो आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये देखो, ये प्रिपेयर किया गया है काफ़ी रिसर्च के बाद, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे बता रहे हैं ये कि देखो ये SSCL का जब एग्ज़ाम हुआ, ठीक है 30 जनवरी 2024 को, तो एक साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया बोल रहे हैं ये, 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, 8983 कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए इस एग्ज़ाम में, 2 दिन बाद ही इंडिविजुअल रिस्पांस की जो है रिलीज़ किया गया, और 3 दिन एक्स्ट्रा विंडो ओपन रहा रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, ये सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो, इसको मैंने आपको दे दूँगी, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनी स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट हैव फाइल्ड लीगल पिटीशन अन नोइंग द फैक्ट्स ओनली आस्किंग वाई मैनी स्टूडेंट्स हु आर इन मेरिट हैव इंक्रीज 6 to 9 मार्क्स बट अदर गॉट ओनली 2-5 मार्क्स एंड रिटर्न रिक्वेस्ट टू SSCL मैनेजमेंट ऑन 18 मार्च 2024 फॉर क्लैरिफिकेशन। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे लीगल पिटीशन फाइल करें, ये समझते हुए कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है जो मेरिट लिस्ट में हैं उनका 6 से 9 मार्क्स बढ़ा, ठीक है, किसी का 2 से 5 मार्क्स बढ़ा, तो जो ग्रेस मार्क मिला, जो बोनस मार्क्स मिला, वो किस हिसाब से मिला कुछ क्लियर नहीं है, ठीक, किसी को 6, किसी को 5, किसी को 9 मिल रहा है। तो इसके लिए एक रिटर्न रिक्वेस्ट SSCL मैनेजमेंट को भेजा गया था 18 मार्च 2024 को क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हो, तो यहाँ पर देखो इन्होंने इसके बदले में एक्सप्लेनेशन दिया है, 3 महीने बाद 26 जून 2024 को SSCL कैम विथ एन एक्सप्लेनेशन विद द सेम नो चेंज इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पर देख पा रहे टोटल क्वेश्चन 100 रहते हैं, टोटल ऑब्जेक्शन इतना डाला गया 3569 और नंबर ऑफ वैलिड ऑब्जेक्शन 10 क्वेश्चन में था, आंसर की चेंज किया इन्होंने 2 क्वेश्चन का, ठीक है, वही माइंस एक्ट वाला, और वहाँ पर देख पा रहे हो 3 मीटर वाला, ठीक है।
तो आंसर की जो चेंज हुआ, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन का आंसर की चेंज हुआ, यानी कि 8 क्वेश्चन प्लस 2, तो दो क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन डाला गया था। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, 8 नंबर जो है इन्होंने डिडक्ट कर लिया है। क्वेश्चन आईडी है, देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक जजमेंट को बताते हुए कहा गया कि इस केस में ऐसा हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाता है, अगर कोई डिफेक्ट मिलता है आंसर की में तो क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो जो क्वेश्चन एम्बिगियस है उसको एक्सक्लूड करके हम पेपर को काउंट करेंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तो यानी कि 92 मार्क्स का पेपर आपका कंसिडर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सब जो मीटिंग हुआ, फिर ये दो क्वेश्चन कौन से थे, 1 जुलाई वाला और 1.5 मीटर, यहाँ पे देख पा रहे हो आंसर इसका 3 मीटर होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू दिस हुएवर ऑप्टेड फॉर द राइट आंसर हैड नॉट गॉट एनी एडिशन बट अ मार्क्स कट ड्यू टू दिस। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो सही आंसर किए थे उनको कोई आंसर, जो सही टिक किए थे आंसर उनका भी गलत हो गया, कोई एडिशन मार्क्स नहीं मिला और नंबर अलग कट गया और 8 मार्क्स तो अलग डिडक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैच हमें समझ में आता है कि 110 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेम कट ऑफ मार्क्स स्कोर किया, यानी कि 82 मार्क्स स्कोर किया है, जब 8 क्वेश्चन को रिमूव हम कर देते हैं तब। पहले इनका 90 था, अभी जो है 110 बच्चे ऐसे हैं जिनका सेम कट ऑफ आया है, यानी कि 82 मार्क्स। इसका मतलब हम समझते हैं कि भैया सिंगल क्वेश्चन फ्लिप करने से, सिंगल क्वेश्चन को इधर उधर करने से 100 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तब आप सोचो कि 8 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाएं तो कितने लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, सोच सकते हो आप, खिलवाड़ हो रहा मतलब पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, मेरिट एंड नॉन मेरिट कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे 80 से लेके 84 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब 226 कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्स। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर आउट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट से आउट हैं ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे 595 कैंडिडेट्स हैं टोटल, ये देख लेना, इसको पढ़ लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरा कि ठीक है, कुछ लोग का ये भी कहना है कि मेरा जो मार्क्स है वो पहले जितना भी मार्क्स रहा है, मतलब मान लीजिए जितना भी मार्क्स उसका रहा है, ठीक है, तो 8 मार्क्स डिडक्ट करने के बाद भी उसका जितना भी मार्क्स आया है वो भी तब भी वो मेरिट लिस्ट में है, समझ रहे हो। तो वो लोग मतलब अलग अलग सोच से हैं कि भाई कहाँ से, क्या नाम है, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, इस टाइप से कह रहे हैं वो बातें कि भाई मेरा तो, मैं तो हूँ मेरिट लिस्ट में नंबर 8 डिडक्ट करने के बाद भी। तो भाई ठीक है, आप होगे, लेकिन ज़्यादातर जो मेजोरिटी है, जो बच्चे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक वाले हैं, 78 से लेके आपके ये 84 तक हैं, ठीक है, यही 77 से लेके 83 84, ये कह सकते हैं ये सारे बच्चे यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 50 60 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि भाई री एग्ज़ाम हो या फिर से फिर चेकिंग हो, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि 50 60 वाले तो पहले एग्ज़ाम से बाहर ही हैं, ठीक है। वो लोग क्यों करेंगे इतना, जब वो लोग इतना, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई एग्ज़ाम को देने में, या वो सीरियस नहीं है एग्ज़ाम को लेके, वो लोग इतना रेज नहीं करेंगे। रेज वो लोग करेंगे जिनको वाकई अपने फ्यूचर की चिंता होगी और उन्हें लगता है कि भाई 1 2 नंबर से भाई लोगों का नहीं हो रहा है, तो अगर होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से तो अगर 8 नंबर डिडक्ट नहीं होता या ग्रेस मार्क्स अभी भी मिला रहा होता तो उनका हो सकता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या। तो यहाँ पर ये हुआ है कि इस जो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, वो बेनिफिट उनको ये मिलता है कि स्कोरिंग सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया है, तो सीट समझ रहे हो, मतलब 350 सीट के लिए सिर्फ हो रहा है। अभी सोचो कि अभी सीट और ज़्यादा होती तो बड़ा दिक्कत होता। ये चीज़ें हैं, देखो NCL के एग्ज़ाम में ये हुआ था, सेम चीज़ें हुई थी जब 6 मार्क्स एज ए ग्रेस दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन का एम्बिगियस माना गया, आप समझ भी रहे हो, 10 क्वेश्चन टोटल मिला के। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो उसका रेफरेंस दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे दो क्वेश्चन कैंडिडेट्स का बात किया था ना मैंने, कि भाई वो उनको, वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, फिर उनको EWS कैटेगरी में डाल दिया गया, क्या हुआ उनके साथ, तो वो मेरिट लिस्ट में है भाई, उनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, EWS 16 EWS 23, अनरिजर्व से ये किया गया। तो अनरिजर्व से EWS में कैसे किया गया आई डोंट नो, बट ये किया गया है, ये देख सकते हो आप। तो लास्टली यहाँ पर देख पा रहे हो, कंसिडरिंग ऑल अबव SSCL हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड टू कंडक्ट फेयरफुल एग्ज़ाम, दस री एग्ज़ाम शेल बी शेड्यूल्ड सो दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन काउंट्स। तो वॉट वी वॉन्ट, यहाँ सारे माइनिंग एस्पिरेंट्स के द्वारा लिखा गया है, प्रोविजन ऑफ द रिस्पॉन्स की ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द सेड 8 क्वेश्चन फॉर बेटर इवेल्यूएशन। देखो मेरा पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही अन सेलेक्टेड और या फिर सेलेक्टेड, किसी बच्चों से मेरा कोई भी ऐसा पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। अच्छा,
तो आप समझ रहे हो कि भाई जाहिर सी बात है अनसेलेक्टेड बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू सेलेक्टेड बच्चे। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी जो भी सेलेक्टेड हैं, जो भी मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आ गई हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब मेरा तो हो गया है, अब जो ये वीडियो लेके आई अब इससे ये होगा कि भाई मेरा तो मेरिट लिस्ट से नाम हट जाएगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि भाई आपका हट जाए नाम। ठीक है, आपका आया है मार्क्स बहुत अच्छा है, जिसका जो भी नंबर पहले रहा है उसके बाद फिर जब मेरिट लिस्ट आती है और 8 नंबर माइनस हम कर देते हैं तो भी वो बंदा मेरिट लिस्ट में होता है। ठीक है, तो वो लोग को सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन है कि भाई मैं तो मेरिट लिस्ट में हूँ मार्क्स डिडक्ट होने के बाद भी, तो भाई आप होगे ना, ऐसे कुछ बच्चे होंगे ना, बाकी सब तो मेजॉरिटी तो वही है ना, मेजॉरिटी तो जो है आपका 75 से लेके या 76 से लेके 82 या 83 वाले बच्चों का ज़्यादा है अगर आप देख पाओ तो, या फिर 89 तक भी आप ले सकते हो। ये जो स्कोर है ना ये बहुत ज़्यादा है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि भाई सिर्फ अपना मत देखो, सबका देखो। ठीक है, कहीं ना कहीं फेयर फेयर जो है एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फेयर कंडक्ट नहीं कराया गया एग्ज़ाम, सिंपल सी बात है। आप खुद सोचो भाई, जो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब 1 जुलाई आंसर हमाइंस एक्ट कब फोर्स में आया, इसको भी आप गलत कंसिडर कह रहे हो, 31 दिसंबर ले रहे हो, मतलब सीरियसली मजाक चल रहा है यहाँ पे, या आप खुद अपडेट नहीं हो? आप कैसे पेपर किसी ऐसे इंसान से बनवा सकते हो जिसको जो कि अपडेट नहीं है, या कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इश्यू है यहाँ पे जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा मतलब सटीक हैं और एग्जाम मतलब एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है, उसको भी आप जो है क्या कर देते हो, गलत कर देते हो क्वेश्चन, मतलब उसका ऑप्शन गलत देते हो, फिर आप रीचेक करते हो, फिर उसको सही करते हो, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, कोई भी आइडिया नहीं है किसी को। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, अभी दूसरा आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये आपको रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो इसको, ये आपको ग्रुप पे मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इसका रिस्पॉन्स दिया हुआ है यहाँ पे। और जो दो क्वेश्चन मैंने किया था कि भाई दो अनरिजर्व कैटेगरी के थे वो दो लोग, उनको EWS कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ उनके साथ, वो सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, देख पा रहे हो, अनरिजर्व से EWS 16 रैंक और 23 रैंक। ठीक है, देख पा रहे हो, तो ये हुआ, ये बताया है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई क्या है, व्हाट वी वांट, हम लोग क्या चाह रहे हैं भाई, कि SCCL ने जो अभी तक ऊपर एग्ज़ाम करवाया है वो फेयरफुल तरीके से एग्ज़ाम नहीं कराया है, फेल्ड हो गया उसमें कंडक्ट कराने में। ठीक है, सिंपली हम समझ रहे हैं, 10 री एग्ज़ामिनेशन हम चाहते हैं ताकि जितने भी सिंगल क्वेश्चंस काउंट किया जाए सही तरीके से। ये सबके तरफ से बोल रही हूँ मैं नहीं चाहती हूँ भाई री एग्ज़ाम हो, मैं नहीं चाहती, ये सारे लोग बच्चे चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग मैं कहना चाह रही हूँ ये कि या तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो री इवेल्यूएशन हो, री इवेल्यूएशन हो मेरिट लिस्ट का, तो मेरिट लिस्ट में किस तरीके से री इवेल्यूएशन होगा, कैसे एनालिसिस होगा मुझे नहीं पता, वो करेंगे, वो उनका काम है। ठीक है, जो ग्रेस मार्क दिया गया था, जो बोनस मार्क दिया गया था उसका क्या हुआ, उसको माइनस करके फिर एमबीबीएस मार्क्स को हटाते हैं, या जिनका बोनस मिला हुआ उसी में जो है 8 माइनस करते हैं, ये कैसे क्या है ये सब क्लियर किया जाए नीट तरीके से, और फिर उसके बाद जो है फाइनली आप मेरिट लिस्ट जारी करो। ठीक है, बहुत सही तरीके से, जिसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो, बहुत साफ तरीके से। एक तो ये हो सकता है, या तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो भाई री एग्ज़ाम तो करवाना ही पड़ेगा। अब जितना भी देर हो, देर लगे, वो तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वी हैव नो ऑप्शन, जाना तो हमें इसी को पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से एरर आती है, तो ऑब्वियसली री एग्ज़ाम होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई री एग्ज़ाम करवा ही दो, जस्ट एक बात रखा गया है यहाँ पे कि अगर री इवेल्यूशन फेल हो जाता है तो आपको री एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सबका कहना है, मेरा कोई पर्सनली ऐसा कुछ हो नहीं है कि भाई री एग्ज़ाम ही करवाओ। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि वी हैव टू सोल्यूशन, एक तो री इवेल्यूशन करा जाए मेरिट लिस्ट का, या फिर री एग्ज़ाम करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, तो ये सारे ही माननीय स्टूडेंट्स के द्वारा था, फाइट फॉर जस्टिस ये है कि भाई जो है अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ता है, नहीं लड़ोगे तो रह जाओगे पीछे। तो बाकी जो है कल का हियरिंग आएगा वो हम देखते हैं जज साहब क्या बताते हैं, और जैसे कि वकील साहब बोल ही रहे थे कि 8 क्वेश्चन एमबीबीएस है, उसके बाद जो है जो रिज़ल्ट जो है फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है, तो जज साहब ने क्या कहा कि वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उसके बाद जैसा होगा वैसा जजमेंट आएगा, उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा उनको, चाहे आप मेरिट लिस्ट निकालो
फाइनल या फिर री एवल्यूएशन करो, या उसके बाद जो जैसा होगा वो बताया जाएगा। कल तक का वेट करो, पता चल जाएगा। और आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो इतने ज़्यादा लोग वह कह रहे थे कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप दिखाइए, तो वही प्रूफ को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। और कोई मकसद नहीं है मेरा यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, कमेंट तो पूरा भरा पड़ा है आपके मैसेज से, आप मैसेज करना वहाँ पे अगर कुछ भी डाउट लगता है उसके बाद। बाकी टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, अगर कोई चाहता है तो आप बोल सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। बाकी कल का वेट करो, जजमेंट जैसा भी आता है उसके मैं साथ में हूँ, सपोर्ट में हूँ उसके, जैसा जजमेंट आएगा, ठीक है। बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, कमीशन सबसे बड़ा है जैसा कहो, बट आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हो कि जो चीज़ गलत हो रहा है वो गलत है, मिसकंडक्ट तरीके से हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ही, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।